मध्य प्रदेश के दतिया जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब दो महिलाओं को एक ही समय पर डिलीवरी के दौरान एक को लड़का एक को लड़की पैदा हुई। बताया जा रहा है शानू पत्नी कालीचरण तिवारी निवासी बरजोरपुरा और मनीषा पत्नी देवेंद्र प्रजापति निवासी मलियापुरा को मंगलवार की शाम 6 बजे डिलीवरी के दौरान एक महिला को लड़की और दूसरी महिला ने लड़के को जन्म दिया। वहीं जब महिला सानू तिवारी के परिजनों को लड़की दी तो जिला अस्पताल के महिला वार्ड में महिला सोनू तिवारी के परिजनों ने हंगामा शुरू कर जिला अस्पताल के महिला वार्ड के स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं वो लड़का पैदा हुआ था और ये लड़की दे रही है, चाहो तो डीएनए का टेस्ट करवा कर देख लो। साथ में आरोप लगाते हुए कहा कि मनीषा प्रजापति के परिजनों लड़का दे दिया गया है। हंगामा देख अस्पताल के स्टाफ ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद मौके पर थाना कोतवाली पुलिस पहुंची और द्वारा डीएनए की जांच की बात पर पुलिस ने मामला शांत करवाया और जांच की बात की ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट। पत्नी का नाम हमारे का मनीषा प्रजापति, हमारे लड़का हुआ है 6:03 हुआ है। ये गंभीर आरोप लगा रहा है दूसरी पार्टी को, तिवारी है और ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो भाई हैं वे स्पष्ट कह रही हैं पता नहीं है कि हमारा लड़का किससे चेंज हुआ है, इनको अभी तक कुछ पता नहीं है और बिना फालतू में जो धमकी भी दे रहे हैं। हाँ, झूठी आरोप लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं और उल्टी चीज नहीं करेंगे। और सिस्टर भी कह रही है ये आपका लड़का है। तिवारी है, मैं ग्राम बरजूरपुरा का रहने वाला हूँ। मैं अपनी पत्नी सानू तिवारी को लेके यहाँ पर चेकअप करवाने आया था तो मैडमों ने बोला कि अभी 8 दिन नहीं होना है बच्चा। मैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन यहीं पर प्राइवेट अस्पताल में लेके गए, वहाँ पर चेकअप करवाया। वे लोग बोले कि अभी होना है और नॉर्मल होना है और बच्चे की बढ़िया कंडीशन है और बढ़िया हार्ट बीट चल रही है, सब कुछ नॉर्मल होना है। मैं यहाँ पर लेके आया, नॉर्मल हुआ। पहले बोला मैडमों ने कि लड़का हुआ है, मिठाई खवाओ। और फिर थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद बोलने लगे कि वो नहीं, बच्ची हुई है और वो आईसीयू में रखना है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। किस समय हुआ था उस टाइम? 6 बजे की घटना है ये सर। अब क्या बोल रहे हैं वो लोग? अब ये बोल रहे हैं कि डीएनए के लिए आपको एसपी साहब के पास जाना पड़ेगा, मैं डीएनए कराना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो जॉन मिले मुझे मिले, बच्ची हो तो बच्ची मिले, लड़का हो तो लड़का मिले मुझे। हाँ, कल एक ऐसा प्रकरण सामने आया है, इसमें एक शानू तिवारी वाइफ ऑफ कालीचरण ग्राम बलौरपुरा और दूसरे हैं मनीषा प्रजापति वाइफ ऑफ देवेंद्र ग्राम मलियापुरा। तो जो प्रजापति परिवार है उनके लड़का हुआ है और शानू तिवारी हैं उनके लड़की हुई है, लेकिन दोनों जो परिवार हैं वो आपस में किसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस तरह की वो हो गई कि बच्चा बदल दिया गया है। तो जो तिवारी परिवार है वो डीएनए की मांग कर रहा है कि डीएनए कराया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि उनके यहाँ पे लड़का हुआ है और दूसरे परिवार के लड़की हुई है। स्टाफ के द्वारा बच्चा बदलने की शिकायत इस तरह से बोली गई है कि स्टाफ के द्वारा बच्चा बदल दिया गया है। तो उन्होंने अपना आवेदन सीएस कार्यालय के लिए दिया है, तो हमने वो आवेदन उनका स्वीकार कर लिया है और एक कार्यालय आवेदन जो है वो पुलिस विभाग को भी भेजा गया है, क्योंकि आगे की कार्रवाई वहीं से जब तक नहीं आएगी तब तक हम डीएनए आगे नहीं करा पाएंगे। कल शाम को यहाँ पर मैटरनिटी वार्ड में दो परिवार की महिलाएं आई थी प्रसव हेतु, जिसमें से एक को बच्चा और एक को बच्ची हुई थी, जिस पर से एक परिवार को शक है कि उनको बेटा पैदा हुआ था। चूँकि परिवार जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि किसको बेटी, जो कागजात हैं किसको बेटी हुई है किसको बेटा, तो अभी उन्होंने ले रहे हैं वो, उनका जो शिकायत है उसका आवेदन ले लिया गया, उसकी जांच की जाएगी। प्रथम दृष्टया इसमें कोई लापरवाही निकल के आई है? अभी जांच पर से जो भी जांच में निकल के आएगा उसके बाद क्लियर होगा। और परिजन डीएनए की डिमांड कर रहे थे इसमें? वो आवेदन की जांच पर से आगे की कार्रवाई सभी के कथन होंगे, डॉक्टर्स वगैरह की रिपोर्ट्स ली जाएंगी, उसके बाद की कार्रवाई।